आईपीएल मैचों को लेकर आरसीए और सरकार के बीच बनी सहमति, सरकार अपने स्तर पर करवाएगी जयपुर में आईपीएल मैच, जरूरत पड़ने पर आरसीए उपलब्ध करवाएगा कर्मचारी। आईपीएल में आरसीए के रोल पर ललित मोदी का बड़ा बयान, ट्वीट कर कहा बिना आरसीए के राजस्थान में मैच कराना गैरकानूनी, आरसीए के अध्यक्ष हैं ललित मोदी। प्रदेश में नहीं थम रहे बाल विवाह के मामले, चित्तौड़गढ़ में एक साथ दो नाबालिग जोड़ों के करवाए गए फेरे, डीएम ने कहा विवाह का पता चलने पर करेंगे निरस्त। अजमेर के राई की खदान में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, प्रशासन को उम्मीद जिंदा हो सकते हैं दोनों मजदूर, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद, 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जालौर में सरस के नाम पर नकली घी के कारोबार का पर्दाफाश, शिकायत पर नकली घी और दुकानदार गिरफ्तार, रानीवाड़ा में लंबे वक्त से फल फूल रहा था नकली घी का कारोबार। बैरोड में जरक के चार बच्चे मिलने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम ने जरक के बच्चों को लिया कब्जे में। देश के 10 राज्यों में सूखे की मार, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रखा अपना आंकड़ा, 256 जिलों में 33 करोड़ लोग झेल रहे हैं पानी की परेशानी, मनरेगा और फूड सिक्योरिटी पर गुजरात सरकार को फिर से फटका। सूखे से जूझ रहे कर्नाटक के बालकोट में पानी की बर्बादी, मुख्यमंत्री के काफिले से पहले सड़क पर टैंकर से बहाया गया पानी, विपक्ष ने बोला हमला। हंदवाड़ा के बाजार से हटाए गए सेना के 3 बंकर, लंबे समय से लोग कर रहे थे मांग लेकिन तनाव में अब भी नहीं आई कोई कमी, कर्फ्यू बरकरार। और पाकिस्तान की जेल में दम तोड़ने वाले कृपाल सिंह को नसीब हुई वतन की मिट्टी, वाघा बॉर्डर पर घरवालों को सौंपा गया शव, परिवार ने की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग।